दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि यूजीसी नेट एग्जाम में हर बार हर यूनिट से डिटो कॉपी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2012 से 2023 तक मोस्ट रिपीटेड होने वाले डिटो कॉपी क्वेश्चन दिखाने वाला हूं विद लाइव प्रूफ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लाइव प्रूफ के साथ। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 का एक क्वेश्चन पेपर है और इसमें एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 06 24 60 120, इसके बाद में क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 210 है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारा डिट्टो कॉपी कैसे रिपीट हुआ है। ये देखिए आगे हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, और ये है हमारा सितंबर 2020 को, 24 सितंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 06 24 60 120, और अगली टर्म क्या होगी वो हमें बताना है। जी, अगली टर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर इसका 210 है। और लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर भी इसका आंसर क्या था दोस्तों, 210 इसका राइट आंसर था। और आगे देखते हैं दोस्तों, 2022 में ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है फाइंड द मिसिंग टर्म। अब देखिए ये क्वेश्चन है 06 24 60 120 210, और 210 के बाद में हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, डिट्टो कॉपी रिपीटेड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया है, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है हमारा 23 अक्टूबर 2022 को। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए ये हमारी टर्म है 2 5 10 17 26 और 37, अगली संख्या हमें बतानी है क्या आएगी। और ये आया, आप देख सकते हैं, दिसंबर 2015 को ये क्वेश्चन आया है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारा किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे देखिए फाइंड द रॉन्ग टर्म, इसमें हमें क्या बताना है, गलत टर्म बतानी है निम्नलिखित में से कौन सी है, 5 10 17 24। ये देखिए 5 10 17 24 आपने देख लिया, और पीछे का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ये देखिए इसमें क्या था, 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया हुआ इन्होंने, 5 10 17, यहाँ पे 26 है 37 है, और अगली टर्म हमें बतानी थी। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 26 की जगह बजाय इन्होंने 24 यहाँ पे दे दिया और पूछ लिया कि कौन सी टर्म हमारी गलत होगी। तो हमने पीछे देखा है 5 10 17 के बाद में क्या आएगा, 26 आएगा। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं इसका राइट आंसर 3 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और ये देखिए ये हमारा एक टॉपिक है एनालॉजिकल रीजनिंग। इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। ये आप देख सकते हैं दिसंबर 2013 को क्वेश्चन आया था, और इसका राइट आंसर देखिए एनालॉजिकल रीजनिंग है। और आगे हम देखते हैं यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे देखिए जून 2014 को एनालॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद में जून 2015 को भी इसका आंसर क्या है दोस्तों, एनालॉजिकल रीजनिंग। और उसके बाद में जनवरी 2017 को एनालॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद में नवंबर 2017 को एनालॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद में जुलाई 2018 को एनालॉजिकल रीजनिंग, और फिर देखिए 2018 को फिर से एनालॉजिकल रीजनिंग। और उसके बाद में ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लेटेस्ट दिखा देता हूँ, 2019 में भी एनालॉजिकल रीजनिंग, और 2020 में मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ये देखिए ये फिर 2019 में फिर आ गया, और देखिए अभी जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें हम देखते हैं, ये देखिए एनालॉजिकल रीजनिंग फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। और आगे ये देखिए 11 जुलाई 2022 को क्वेश्चन आया था, और उसके बाद में देखिए 20 अक्टूबर 2022 को भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ठीक है एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद में एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट 29 अक्टूबर 2022 को क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन पता चल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और दोस्तों 27 फरवरी इवनिंग 3 PM हम एक लाइव मैराथन क्लास लेने वाले हैं। इसमें हम आपको 2012 से लेकर 2023 तक हर बार एग्जाम में आने वाले 125 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। और इस क्लास में दोस्तों आपको 5
बोनस भी दिए जाएंगे। फाइव बोनस में क्या होगा दोस्तों, आपका ऑल 10 यूनिट रिपीटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दी जाएगी, ऑल यूनिट कीवर्ड पीडीएफ आपको दी जाएगी, प्लस में स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दी जाएगी, प्लस में आपको 10 लाइव मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम दोस्तों ऑल 10 यूनिट के मोस्ट रिपीटेड होने वाले 125 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको इनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी बताएंगे जी। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही, यहाँ पे हमारा ये देखिए ये स्टेटमेंट में ये जून 2013 को क्वेश्चन आया था हमारा, और इसके अंदर देखिए सम मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है ये क्वेश्चन है। और आगे हम यही क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन दिसंबर 2015 को आया है दोस्तों, थोड़ा सा फेरबदल इन्होंने कर दिया है, नो मैन आर ऑनेस्ट यहाँ पे दिया है। और आगे हम देखते हैं यही क्वेश्चन हमारा किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2022 और शिफ्ट 2 यहाँ पे सम मैन आर ऑनेस्ट, एक ही क्वेश्चन एक ही टॉपिक किस तरह से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है जी। और इसके बाद में हम अगली यूनिट देखते हैं दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हमारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए टाइप ऑफ सैम्पलिंग से तो भैया भर भर के क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में, ये देखिए हमारा ये है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यहाँ पे दिया हुआ है इसका राइट आंसर। और आगे देखते हैं ये देखिए ये दिसंबर 2012 को क्वेश्चन आया है, और आगे हम देखते हैं दोस्तों ये देखिए ये यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आंसर होगा। और यही सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन हमारा 12 अक्टूबर 2022 को आया है दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे देख सकते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जो होती है वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आंसर हमारा आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप हर यूनिट के क्वेश्चन अगर आपको पता चल जाए तो आपका नेट और जेआरएफ पहली बार में ही हो सकता है जी। आगे हम देखते हैं दोस्तों ये देखिए हमारा लाइकर्ट स्केल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया था जून 2013 को, और यही क्वेश्चन हमारा आगे आया है, देखिए एटीट्यूडनल स्केल जो है हमारा क्या होगा, लाइकर्ट स्केल होगा, ये आया हमारा जून 2019 को क्वेश्चन आया है। और आगे देखते हैं दोस्तों लाइकर्ट स्केल इज यूज टू मेजर ए सेट ऑफ, ये देखिए एटीट्यूडनल स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन के में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एटीट्यूडनल स्केल जो था उसका नाम दिया हुआ था स्टेटमेंट पर, पूछा हुआ था किस तरह का स्केल होता है जी। तो आप एक ही क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से एग्जाम में बार 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 रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा उसे घुमा रहे हैं। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 अक्टूबर 2022 को ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ है जी। इस तरह से हमारे दोस्तों बहुत से क्वेश्चन हैं, 125 प्लस क्वेश्चन हैं हमारे एग्जाम में जो रिपीट हुए हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों हमारे क्वेश्चन है ये टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए हमारे ये आया ब्लेंडेड लर्निंग का एक क्वेश्चन आया है हमारा, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है ये हमें बताना है जी। मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लर्निंग शामिल होती है दोस्तों, ये आया हमारा दिसंबर 2015 को क्वेश्चन। और आगे यही क्वेश्चन देखिए 20 अक्टूबर 2022 को क्वेश्चन आया है हमारा एग्जाम के अंदर, बेस्ट डिस्क्राइब ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है ये देखिए, ऑप्शन 3 इसका फेस टू फेस और ICT टूल टीचिंग जी, इसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की टीचिंग हमारी हो सकती है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे देखिए दोस्तों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी और यहाँ पे कोग्नेटिव डोमेन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आया है, और यही ये देखिए ये आया 21 दिसंबर 2018 को, और यही सेम क्वेश्चन मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह से एग्जाम में रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन आया है 13 अक्टूबर 2022 को, ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर को, ये देखिए कोग्नेटिव डोमेन
और ब्लूम्स टैक्सन कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से, इससे अभी हम करके आए हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपका पहली बार में ही नेट और ज़ेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों, अभी तो हमने कुछ ही यूनिट के कुछ ही क्वेश्चन किए हैं और कुछ समय में सभी क्वेश्चंस कर पाना हमारे लिए नामुमकिन है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमने 2012 से लेकर 2023 तक हर बार आने वाले 125 क्वेश्चंस की मैराथन क्लास एक आयोजित की है, और ये क्लास दोस्तों 27 फरवरी को होगी हमारी 3 बजे 3 PM पे हमारी क्लास होगी। इसे आप जरूर ज्वाइन करना। इसके अंदर हम ऑल 10 यूनिट के मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस करवाएंगे 2012 से लेकर 2023 तक, और इसमें आपको दोस्तों 5 बोनस भी मिलने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये 5 बोनस क्या है देखते हैं दोस्तों। ऑल यूनिट के रिपीटेड क्वेश्चन PDF आपको दी जाएगी, जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हमारे उनकी PDF आपको उस क्लास में दी जाएगी। ऑल यूनिट कीवर्ड्स वीडियो दी जाएगी दोस्तों, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, उन शब्दों को ध्यान में रख के आप बिल्कुल आसानी से चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और करंट अफेयर की आपको PDF दी जाएगी, प्लस में 10 लाइव मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं हमारी ऐप में, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे जी। ये 5 बोनस आपको मिलने वाले हैं, ये क्लास आप जरूर ज्वाइन करना। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस क्लास की फीस केवल और केवल 99 रुपीज़ है दोस्तों। इसमें आपको ऑल 10 यूनिट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से इस सीट को बुक कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट है दोस्तों इस मैराथन क्लास के अंदर। 27 फरवरी को इवनिंग 3 PM ये क्लास हमारी होने वाली है 3 घंटे की जी। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।